आज बहनों मैं बीन की सब्जी बनाऊंगी। कई कई बहनें हमारी जानती नहीं बीन क्या होता गांव में। मैं भी यहाँ पर नहीं बनाती हूँ, बच्चे लेके आए थे रायबरेली से, इसलिए मैं देहात में हमारे नहीं आती बाजारों में, तो इसलिए मैं नहीं कभी बनाई हूँ बीन की सब्जी। आज मैं बीन की सब्जी बनाऊंगी। और ये देखिए बीन मैंने आधा किलो करीब लिया है, क्योंकि ये गल के थोड़ी हो जाएगी। ये आलू भी लिया है इतनी, आलू भी इसमें पड़ेगी क्योंकि बीन कम हो जाएगी, तो आलू भी इसमें डालूंगी। ये आलू लिया, इसको सब काटूंगी मैं भी। ये टमाटर लिया है, चार टमाटर लिए। जो भी सब्जी बनाए अच्छे से साफ साफ इसी तरह सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी सब्जी अच्छी बनती है। यहाँ पर हमने लहसुन ले लिया है। लहसुन मैं घर में लगाने के लिए फोड़ी थी, तो बड़े बड़े मैंने लगा दिया, छोटे छोटे पीस मैंने रख लिया घर में, क्योंकि छोटी पीस लगाने से उसमें लहसुन कम पड़ते हैं, तो इसलिए लहसुन मैंने फोटी आपको नहीं दिखाई, फोड़ी हुई है मेरे पास, मैं यही दिखा रही हूँ। ये तो प्याज डालूंगी, प्याज नहीं पीसूंगी, प्याज काट लूंगी, ये लहसुन पीसूंगी, अभी मिर्च भी मैं पीसूंगी। को मैं काट लूंगी, ये इतनी बड़ी बड़ी पीस काटूंगी। ये देखो जो कड़ी है इसको मैं छील लूंगी, ये थोड़ा कड़ी है, तो जो बीन हमारी कड़ी हुई है इसको मैं इसे छील लूंगी। ये जो नरम है ये कड़ी थी हमारी, देखती हूँ कौन सी बीन, ये नरम है हमारी बीन, तो इसको मैं इसी प्रकार ऐसे छोटी छोटी पीस ऐसे मैं काट लूंगी। ये हमने लहसुन जो छिले हुए थे वो पीस ले रही, इसमें थोड़ी सी लकड़ी और एक इलायची और काली मिर्च और धनिया और मिर्च भी, ये थोड़ा सा जीरा, इतने मसाले मैं इसको पीस के पेस्ट बनाऊंगी। ये देखो बहनों और भाइयों, मेरा सब्जी जो है कट के तैयार हो गई, मैंने धुल के रख दिया है, यहाँ पर रख दे रही हूँ धुल के। ये टमाटर भी काट लिया, ये प्याज भी, अब मैं चल रही हूँ कढ़ाई सबसे पहले चढ़ाने। ये देखो मसाला पीसते समय बहनों मैंने आपको दिखाया ही था, इसमें जो है हल्दी नहीं डाला था, हल्दी डाल ले रही हूँ और थोड़े से गर्म मसाले भी डाल ले रही हूँ। ये देखो अभी मैं दिखाती हूँ गर्म मसाले जो डाल जो जो मैं डालूँगी, ज़्यादा नहीं मसाले डालूंगी क्योंकि हमने पीस रखा है। थोड़ा सा धनिया पाउडर है, जरा से बिल्कुल ही, देखिए थोड़ा सा ये गरम मसाला, गरम मसाला भी मैंने पीस रखा है, इसको मैं इसे डाल रही हूँ, मैं साथ में ही डालती हूँ बस। सबसे पहले मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई, काफ़ी गर्म हो गई है, थोड़ा नहीं काफ़ी गर्म हो गई है। ये देखो मैं कढ़ाई में सबसे पहले तेल डाल दे रही हूँ, बस थोड़ा ही तेल डालूंगी, ज़्यादा तेल मैंने काटी हूँ। सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूंगी, ये देखो इन सब चीज़ों में ज़्यादा थोड़ा तेल लगता है, इसलिए मैंने ज़्यादा तेल लगता है तेल डाल दिया है। सूखे मसाला डाला था, अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी मिलाऊंगी, इसको मसाले को अच्छी तरह से मैं मिला लूंगी। ये देखो धीरे धीरे करके इसको मिला लूंगी, ये देखो मेरा जो है ब्राउन हो गया है प्यार। अब मैं इसको मसाला उठा ली, क्या देखिए कहाँ मैंने रखा है, क्योंकि इसको कैसे में पीस रही हूँ, क्योंकि मेरा तो ध्यान कढ़ाई पर था। इसी प्रकार मसाला भूंग लिए, इसमें पानी डाल दे रही हूँ, तो मसाले को धुल ले रही हूँ, क्योंकि मसाला इसमें लगा हुआ है। मैंने चम्मच से नहीं निकल रहा, थोड़ा सा इसे से कर ले रही हूँ, हाथों से सहार ले थे, अब ये जो है थाली साफ हो गई है, अब इसके जो है प्रकार हम पका लेंगे। देखो बहनों हमारे मसाला जो है पक गया है, अब चल रही मैं इसमें टमाटर धोनी, जी टमाटर मैंने डाल दिया, टमाटर के साथ साथ मैंने इसमें चल रही हूँ टमाटर कर जाए।
ये देखो मैंने मखनी डाल दे रही इसमें, कितना पड़ना मैं उतना ही डालूंगी सब्जी में, क्योंकि हमारा बाद में मैं नमक नहीं डालूंगी, मैं ज़्यादा नमक डाल दे रही हूँ। टमाटर मेरा गला नहीं हो रहा है ना, मैं फिर इसको जो है ऐसे ऐसे कलछी के सहारे मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूंगी, कट भी जाएगा और छोटे छोटे कट भी गल भी जाएगा। हमारा अच्छी तरह से गल गया है, अब मैं इसको चल रही हूँ, ये जो कटी हुई फ्रांस बीन रखी हुई है उसको मैं डालूंगी। इसको मैं चला के थोड़े थोड़े ऐसे मिला दूंगी सारी कटी को। आज मैं इसको 18 साल बाद बना रही हूँ। देखो कैसी बनती है, चंडीगढ़ में मैं बनाती थी इसको पहले, पहले हम भी चंडीगढ़ में रहते थे। बच्चे ही रहते हैं, बहू आई है यहाँ पर अपना चैनल खोली है, हमें भी आप सब लोगों के साथ बात करने को मौका मिल रहा है। इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूंगी, मैंने पानी नहीं डाल रखा था, फ्रांस बीन ऐसे नहीं उबलेगी, ऐसे पानी खोल भी रही है, काफ़ी दिनों बाद ही बना रही हूँ फ्रांस बीन को, ज़रा से इसमें पानी लगेगा लग रहा है। पानी छोड़ूंगी, ज़्यादा नहीं पानी छोड़ूंगी, क्योंकि पानी छोड़ भी रही है, बस इतना ही पानी डालूंगी। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी, बार बार इसको देखते रहेंगे उबली है कि नहीं, नीचे ना लग पाए, क्योंकि हमारी कढ़ाई लोहे की है, जल्दी गर्म हो जाती है। कुछ ज़्यादा तेज आँच है, मैं धीमी कर दे रही हूँ, थोड़ा धीमी ही इतनी पकाऊंगी, नहीं तो इसमें पानी जल जाएगा, फ्रांस बीन नहीं पकेगी। आलू की तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्रांस बीन में समय लगेगा। अब मैं चल रही इसको ऐसे ढंग देने, भी चूरी नहीं है, देख ऐसे देख लेंगे आलू भी फ्रांस बीन ऐसे निकालेंगे, ये ऐसे हाथ से ऐसे देखें, अभी नहीं चूरी है, देखो पकने देंगे इसे। अब मैं ढक दे रही हूँ, पकी सब्जी पकने वाली है, देखो रंग कितना अच्छा आया, थोड़ी देर में इसको मैं उतारूँगी, बस धीमी ही आँच में आप इसको पकाएँ, नहीं तो नहीं पकेगी। ये देखो मैंने धीमी आँच बिल्कुल किया, अच्छा लग रहा है ना देखने में, ये भी फ्रांस बीन है तो इसी प्रकार अब देखेगी पीलापन कम आएगा, क्योंकि हरापन आ गया है इसमें। अब मैं इसको एक बार और ढक दूँ, फिर इसके बाद में उतारूँगी, तैयार हो गई, ये बन गई है, अभी इसको मैं देख रही हूँ उतारने, बन के तैयार हो गई है, थोड़ी थोड़ी लगने भी लगी है। अब मैं इसको उतार ले, इसको मैं निकाल ले रही हूँ बर्तन में, अच्छी लग रही देखने में ना, तो खाने में भी अच्छी। ये देख लो हमारी सब्जी तेल ही छोड़ दिया था, तभी मैंने उतारा। मैंने धनिया आपको काटते समय नहीं दिखाया, ये काटी हुई धनिया मैंने धुल के रखा है, अब मैं इसमें धनिया डाल दे रही हूँ। कितना अच्छा रंग आया है इसका, और कलर भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। यहाँ मम्मी जो है चूल्हे पर रोटी बना रही है, वो भी मैं हाथ पोई की मोटी मोटी रोटी, ये देखो सबसे पहले मैं गाय के लिए बना रही हूँ रोटी, जो है ये थोड़ा सा मोटी ही बना रहे हैं मैंने, क्योंकि वैसा सब्जी बना रखी है, सोयाबीन की सब्जी, साग बीन की सब्जी, साग बीन की सब्जी बना रखी है ये, और साथ में चावल और साथ में है रोटी, वो भी हाथ पोई चूल्हे की रोटी, मजेदार आने वाला है। तो हमारे यहाँ गाय को पहले रोटी दी जाती है, तो अनाया और अनाया की मम्मी जा रही हैं रोटी लेने, बहुत ही कष्ट करके, क्योंकि
क्योंकि ये जो है काम करने नहीं देती हमें। कैसी रोटी, कैसे सब्जी बनी है फ्रांसबीन की? तो ये मोटी मोटी रोटी है और भाई साहब इतनी मोटी रोटी चूल्हे वाली रोटी है और इसको जो है फ्रांसबीन के साथ गरम गरम और प्लस धनिया भी डाल रखा है। अब खा के बताता हूँ मम्मी कैसी है। मस्त बनी है और बिल्कुल आलू वालू सब गल गया है, मसाले बिल्कुल अच्छे से मिल चुके हैं, बहुत अच्छे है। ले आ पसला ले आ बाबू।